हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू क्लासेज हलसी में। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न को देखेंगे जो क्लास 12 के एग्जामिनेशन पर्पज से काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। आप वीडियो को अंत तक देखें और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो आइए हम लोग आज के सीरीज का पहला क्वेश्चन लेते हैं जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। प्रश्न है कि बीसीसी में लैटिस बिंदुओं की संख्या होती है, यानी बीसीसी व्यवस्था में कितने लैटिस बिंदु होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसी व्यवस्था में लैटिस बिंदुओं की संख्या 2 होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है, यानी बीसीसी व्यवस्था में 2 लैटिस बिंदु होते हैं। बात करें अगर एफसीसी व्यवस्था की तो एफसीसी व्यवस्था में 4 जो है वह बिंदु होते हैं। बात करें अगर सिंपल क्यूबिक सेल की तो इसमें जो है वह 1 बिंदु होते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों को ये जो है वह क्वेश्चन ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि एक क्रिस्टल में कितने प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं। तो एक क्रिस्टल में जो है 14 प्रकार के क्रिस्टल जालक संभव हैं, यानी ब्रेव्स जालकों की संख्या कितनी होती है। तो 14 होती है, यानी ब्रेव्स जालकों की संख्या जो है वह 14 होती है, है ना। ब्रेव्स जालकों की संख्या 14 होती है, या आकाशीय जालकों की संख्या भी कितनी होती है। तो आकाशीय जालकों की संख्या भी कितनी होती है बाबू, 14 होती है। अगर बात करें कि मूल क्रिस्टल तंत्र की संरचना, तो मूल क्रिस्टल तंत्र की संरचना जो है वह मूल क्रिस्टल तंत्र की संरचना जो है 7 होती है। मूल क्रिस्टल तंत्र की संरचना कितनी होती है, 7 होती है। या इसी को हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि आद संरचना कितनी होती है, तो आद संरचना जो है वह भी कितनी होती है, 7 होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि अंतः केंद्रित घनीय संरचना में उपसंयोजन संख्या यानी कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। मतलब बीसीसी व्यवस्था में जो है वह कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है। तो मैं आपको बता दूं कि बीसीसी व्यवस्था में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है। अगर बात कर लें सीसीपी व्यवस्था की तो इसके कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होते हैं। बात करें एफसीसी व्यवस्था की, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। एचसीपी व्यवस्था की कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। इस प्रकार से हम लोगों को जो है हुआ ये प्रश्न बिल्कुल याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बराबर क्या फार्मूला होता है। तो आपेक्षिक वाष्प दाब का अवनमन बराबर होता है शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। तो इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर ख यानी ऑप्शन नंबर बी सही है, पी नोट माइनस पी एस बटा पी नोट, यानी शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस विलयन का वाष्प दाब बटा शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, इसे ही हम लोग जो है वह आपेक्षिक वाष्प दाब के नाम से जानते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दो द्रवों का एक मिश्रण जो स्थिर संगठन पर उबलता है क्या कहलाता है। देखिए जो एजियोट्रॉपिक मिश्रण होता है, जो स्थिर क्वाथी मिश्रण होता है, उसके दोनों जो घटक होते हैं, दोनों जो अवयव होते हैं, वह समान ताप पर उबलते हैं इसलिए, और समान मात्रा में वाष्पित होते हैं, समान रेशियो में वाष्पित होते हैं, इसलिए हम लोग का इस प्रश्न का राइट आंसर होगा एजियोट्रॉपिक मिश्रण, और इसे ही हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, इसे ही हम लोग कहते हैं स्थिर क्वाथी मिश्रण, है ना, ध्यान देंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है परासरण दाब बढ़ता है, परासरण दाब से रिलेटेड हम लोगों का कंसेप्ट है। यहाँ पर देखिए ध्यान से, ये आपका परासरण दाब का फॉर्मूला है। तो जैसे आप देखेंगे कि अगर हम वॉल्यूम स्थिर रखते हैं, आयतन स्थिर रखते हैं, तो हमारा जो ये परासरण दाब है, ये परासरण दाब टेम्परेचर के बढ़ाने से क्या होगा, बढ़ेगा, उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो तापक्रम बढ़ाने से जो है वह परासरण दाब क्या होता, बढ़ता। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगले प्रश्न को अगर हम देखते हैं, हमारा अगला प्रश्न है आदर्श विलयन में मिश्रित होने के कारण अवयवों की इंथैल्पी में परिवर्तन होता है। देखिए आदर्श विलयन जो होता है वो हम लोगों को ध्यान देना है कि आदर्श विलयन में इंथैल्पी परिवर्तन भी शून्य होता है और आयतन परिवर्तन भी क्या होता है, शून्य होता है। तो आदर्श विलयन में इंथैल्पी परिवर्तन भी 0 और आयतन परिवर्तन भी 0। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। देखिए एक इलेक्ट्रॉन जो है वह एक ऋण आवेशित कण है, और अगर एब्सोल्यूट चार्ज की बात करें तो इस पर एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम, ये इसका एब्सोल्यूट चार्ज है। लेकिन वो जो है वह उस पर कौन सा आवेश रहता है इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन एक ऋण आवेशित कण है, कौन सा आवेश रहता है बाबू, तो ऋण आवेश रहता है, ये बात को हम लोगों को ध्यान पे रखना, और इसका एब्सोल्यूट चार्ज होता है 1.6×10⁻¹⁹ कूलाम। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है। देखिए विशिष्ट चालकत्व की इकाई होती है पर ओम पर सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर बी सही है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है सेल स्थिरांक होता है। देखिए सेल स्थिरांक से रिलेटेड हमारा एक कंसेप्ट है कि प्रतिरोध जो है वह प्रतिरोधकता इज टू एल बटा ए। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पे एल बटा ए को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एक। अगले प्रश्न की तरफ चलें, फैराडे का प्रथम नियम जो है वह क्या कहता है। तो फैराडे का प्रथम नियम जो है वह विद्युत अपघट्य के समतुल्य भार से संबंधित होता है, जो कहता है कि अगर विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो इलेक्ट्रॉनों पर मुक्त हुए पदार्थ का जो द्रव्यमान होता है उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के आवेश के बराबर होता है। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा एम बराबर ई सी टी या एम बराबर होगा जेड सी टी, है ना। ध्यान रखना है एम बराबर ई सी टी या एम बराबर जेड सी टी, ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज होता है। देखिए आपको बता दें HCP संरचना में पैकिंग प्रभाज जो होता है वो 0.74 होता है। अगर बात करें BCC व्यवस्था की तो BCC व्यवस्था में पैकिंग प्रभाज 0.68 होता है। सिंपल क्यूबिक सेल का पैकिंग प्रभाज जो है वह 0.54 होता है ना। इस प्रकार से हम लोगों को ध्यान रखना है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि किसी वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करता है। देखिए वस्तु की प्रतिक्रिया करने की दर जो है वह उसके एक्टिव मास पर निर्भर करेगा, सक्रिय मान पर निर्भर करेगा। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी हमारा सही है। अगले प्रश्न तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि यदि प्राक्षिप्त प्रावस्था जो है वह क्या है, द्रव है और परिक्षेपण का माध्यम ठोस है, तो किस प्रकार के कोलाइड बनेंगे। तो देखिए यदि प्राक्षिप्त प्रावस्था द्रव और परिक्षेपण का माध्यम ठोस हो तो जेल बनेगा। किस प्रकार का कोलाइड बनेगा, जेल। अगर हम इसको ऐसे सोचे कि यदि परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो, यदि प्राक्षिप्त प्रावस्था क्या हो, ठोस हो, परिक्षिप्त प्रावस्था ठोस हो और परिक्षेपण का माध्यम जो है वह क्या हो, द्रव हो, तब उस परिस्थिति में हमारा नया कोलाइड बनेगा जिसको हम लोग क्या कहते हैं, सोल कहते हैं। और परिक्षिप्त प्रावस्था और परिक्षेपण का माध्यम दोनों यदि द्रव होते हैं तो जो कोलाइड बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इमल्सन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इमल्सन बोलते हैं। तो इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। हमारा इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल लुईस अम्ल कौन होता है। देखिए इस तरह के प्रश्न को बार बार परीक्षा में पूछा जाता है। इनके क्रम को हम लोग देख लेते हैं, Bi3, BbR3, BCl3 और BF3। ये इनके जो है वह अम्लीयता के क्रम है। ये इनके अम्लीयता के क्या है, क्रम है। ध्यान रखना है अम्लीयता क्रम। तो इस प्रकार से हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी Bi3। इनमें से प्रबल अम्ल कौन हो जाएगा, Bi3। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है दूध किसका उदाहरण है। देखिए दूध जो है वह किस प्रकार के कोलाइड का उदाहरण है, दूध जो है वह पायस का उदाहरण है। इसी को हम लोग बोलते हैं इमल्सन। इसी को हम लोग क्या नाम से जानते हैं बाबू, इमल्सन। यानी दूध किसका उदाहरण है, इमल्सन का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एक्स बटा एम तथा पी के मध्य का जो वक्र है वो कहलाता है। देखिए हम लोग इसको ध्यान से देखेंगे, इस ग्राफ को देखिए, एक्स बटा एम और यहाँ पे पी के बीच का जो ग्राफ है, इस प्रकार से कुछ जो ग्राफ ड्रॉ किया जाता है, इस ग्राफ को हम लोग जो है वह अधिशोषण समतापी वक्र कहते हैं। क्या कहते हैं, अधिशोषण समतापी वक्र, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा बिल्कुल सही होगा। अगले प्रश्न की तरफ मूव करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है एंजाइम किसका मुख्य अवयव होता है। तो देखिए एंजाइम जो है वह प्रोटीन का मुख्य अवयव होता है। एंजाइम किसका मुख्य अवयव है, तो प्रोटीन का मुख्य अवयव है, यानी ऑप्शन नंबर एक सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, जिंक ब्लेंड अयस्क का सांद्रण किस प्रकार से किया जाता है। सबसे पहले तो ये जाने कि जो जिंक ब्लेंड होता है इसका सूत्र होता है ZnS और यह एक सल्फाइड अयस्क है। किस प्रकार का अयस्क है, सल्फाइड अयस्क है। तो जो भी सल्फाइड अयस्क होता है उस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हम लोग फेन उत्प्लावन विधि से करते हैं। किस विधि द्वारा करते हैं, फेन उत्प्लावन विधि द्वारा करते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा अगला प्रश्न है एल्मिनोथर्मिक प्रक्रम विधि द्वारा किसका निर्माण किया जाता है। एल्मिनोथर्मिक प्रक्रम विधि द्वारा जो है वह क्रोमियम का निर्माण किया जाता है। किसका निर्माण किया जाता है, क्रोमियम का निर्माण किया जाता है। अगर बात करेंगे सोना की तो वैद्युत अपघटन विधि से इसका निर्माण किया जाता है। सीमेंटेशन विधि से लोहा का निर्माण किया जाता है। तो इस प्रकार अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न है हमारा नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O। नीला थोथा का रासायनिक सूत्र होता है CuSO4 5H2O, यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा जो है वह सही है। आइए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से सबसे कम भास्मिक कौन है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, NF3। NF3 सबसे कम भास्मिक है। अगर बात करें सबसे अधिक भास्मिकता की तो Ni3 सबसे अधिक भास्मिक है। तो इनके जो क्रम है वो इस प्रकार से हम लोग देख सकते हैं, Ni3
NBr3, NCl3 है ना, NCl3 और NF3, यानी सबसे कम भास्मिक जो है वह आपका NF3 हो गया। ये इनके भास्मिकता का क्रम है, ठीक है। तो चलते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होता है। देखिए, चुंबकीय आघूर्ण निकालने के लिए हम लोगों का एक फार्मूला है और इस फार्मूला को ध्यान में रखना है। यहाँ पे N जो है वह ये अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्या है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का जो है वह संख्या है। तो जिसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन अधिक रहेगा उसका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक रहेगा। अगर बात करें Zn2+ की तो इसमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जीरो है तो इसका चुंबकीय आघूर्ण जीरो हो जाएगा। अगर बात करें Fe2+ की तो इसमें जो है वह अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4 है। अगर बात करें Fe3+ की तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 5 है। और बात करें Sc3+ की तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या 0 है। इस प्रकार अगर हम देखते हैं तो सबसे अधिक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है Fe3+ आयन में है, तो इनका चुंबकीय आघूर्ण सबसे अधिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था कितनी होती है। लैंथेनाइड सीरीज जो एफ ब्लॉक का पहला सीरीज है, उनकी सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था जो है वह +3 होती है। अगले क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि CrCO6 में क्रोमियम की ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है। देखिए, एक बात आप समझ लीजिए कि जो भी आपका कार्बोनिल समूह है, कार्बोनिल समूह का ऑक्सीकरण अवस्था 0 होता है। और इस प्रकार से अगर हम देखते हैं क्रोमियम का X+0:6=0, तो X बराबर जो है वह 0, यानी यहां पे अगर क्रोमियम के ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करते हैं तो वो हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न का था उदासीन लिगेंड का उदाहरण है। लिगेंड क्या होते हैं, जो केंद्रीय धातु परमाणु को जो है वह इलेक्ट्रॉन युग्म डोनेट करने का काम करते हैं। तो साइनाइड हमारा जो है वह ऋणात्मक लिगेंड है, हैलोजन भी आपका ऋणात्मक लिगेंड है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं अगर नाइट्रो समूह की, तो नाइट्रो समूह भी ऋणात्मक लिगेंड है। एक जल्दी हमारा ये प्राप्त ऑप्शन में जो है वह ऐसा है जो कि उदासीन लिगेंड है, यानी ऑप्शन नंबर डी ये बिल्कुल सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, हैलो एरिन्स में कार्बन का प्रसंस्करण होता, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, ये आपका हैलो एरिन्स है। अगर बात करें इसमें हम कार्बन के प्रसंस्करण की, तो यहाँ पे ये कार्बन जो है वह sp2 प्रसंस्करित होता है, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी sp2। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। अगर बात करें एल्काइन के सामान्य सूत्र, तो एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है CnH2n-2। ये एल्काइन का सामान्य सूत्र होता है। ये आपका जो है वह एल्केन का सामान्य सूत्र है और ये आपका जो है वह एल्कीन का सामान्य सूत्र है। निश्चित रूप से इसे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चले हम लोग अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न कहता है, फिनॉल की प्रकृति होती है। देखिए, फिनॉल जो होता है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं, कि ये फिनॉल के सूत्र हैं और फिनॉल जो है वो अम्लीय प्रकृति के होते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है, एथाइल एसीटेट मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से अभिक्रिया करके क्या बनाता है। देखिए, एथिल एसीटेट अगर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, जिसे हम लोग ग्रिगनार्ड अभिकर्मक के नाम से भी जानते हैं, ये ग्रिगनार्ड अभिकर्मक से अभिक्रिया करके 3° अल्कोहल बनाता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है और इस सेट का आखिरी प्रश्न है, कार्बोनिल क्लोराइड जो है वह हाइड्रोजन के साथ PdBSO4, जिसे हम लोग लिंडलर उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। किस उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं, लिंडलर उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। कहता उससे अभिक्रिया करके अगर जो है वह एल्डिहाइड बना रहा है, तो इस अभिक्रिया को आप किस नाम से जानेंगे। तो ये अभिक्रिया कहलाता है रोजेनमुंड अभिक्रिया। आप उत्प्रेरक के नाम भी याद रखेंगे, कई बार पूछता है कि लिंडलर उत्प्रेरक क्या है, तो इस अभिक्रिया को रोजेनमुंड अभिक्रिया कहेंगे और आप जितने भी नेम्ड अभिक्रिया हैं उसे याद रखेंगे। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग।